हेलो, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सीएसपी इंस्टीट्यूट। सो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से अपन लीनियर रिग्रेशन के जो वो टॉपिक पढ़ रहे थे उसको डिप्लॉय कैसे करना पाइथन की मदद से। सो लीनियर रिग्रेशन जो मॉडल है उसको स्क्रैच से बनाने के अंदर मैं आपको मदद करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, रुक जाइए, मैं थोड़ा सा इसको सही कर लेता हूँ। हाँ, सो इम्पोर्ट किया सबसे पहले पांडास को मैंने, और फिर नमपाई को इम्पोर्ट किया, फिर बाद में मैट प्लॉट लिप को इम्पोर्ट किया मैंने। मैट प्लॉट लिप के अंदर से मैंने पाई प्लॉट को ये किया। ये किसके लिए होता है? बेसिकली ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। फिर बाद में उसके अंदर से एक्सिस को हमने इम्पोर्ट किया मैट प्लॉट लिप के अंदर से, उसको मैंने मतलब नाम दे दिया यहाँ पर, ये इसको ए एक्स दे दिया, प्लॉट दे दिया, एनपी दे दिया और पीडी दे दिया। फिर बाद में मैंने डेटा फ्रेम ले लिया। सो डेटा फ्रेम में मैंने पांडास की मदद से रीड किया सीएसवी फाइल को और उसको डेटा फ्रेम के अंदर डाल दिया, ठीक है। सो ड्रॉप दी मिसिंग वैल्यूज, वो तो हमें पता ही है जो हमने लास्ट टाइम क्लीनिंग के अंदर पढ़ा था, ये सारा क्लीनिंग वाला पोर्शन है। तो हमें क्या करना है, ड्रॉप करना है उन फीचर्स को। किस फीचर्स को ड्रॉप करना है? जो कि हमारे पास में मिसिंग वैल्यूज है। तो ये अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट है तो आप उस मशीन लर्निंग वाले पॉइंट में जाइए और वहां से आप ये देख लीजिए पीछे वाली वीडियोस के अंदर जाकर, और आप इसको समझ सकती हैं, ठीक है। और फिर बाद में हमने किया ट्रेनिंग डेटा सेट्स एंड लेबल्स। सो ट्रेन इनपुट, हमने इनपुट लिया, हमने एक अरे बनाई एनपी डॉट अरे, जो कि नमपाई की मदद से बनाते हैं। हमने क्या किया, हमने लिया कि डेटा जो है उसके अंदर जो एक्स एक्सेस है उसमें 0 से लेकर 500। पहले तो आपको मैं डेटा सेट दिखाता हूँ, ये डेटा सेट है क्या, किस तरीके से सीएसवी फाइल दिखती है। तो इस सीएसवी फाइल को मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको। ये हमारी सीएसवी फाइल है, इसके अंदर हमारे पास में 2 पॉइंट है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। ये तो एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि भाई साहब मेरे को 0 से लेकर 500 तक सारे एक्स एक्सेस चाहिए, और इनको इनकी रीशेप कर दो आप, 500 से लेकर 1 तक इसकी पूरी रीशेपिंग कर दो आप, जितना भी हमने ड्रॉप किया और उनको सारी को रीशेपिंग कर दो। फिर इसी तरीके से ट्रेन आउटपुट, आउटपुट को भी मैंने ट्रेन किया और यहाँ पर अरे की फॉर्म में डाल लिया 0 से लेकर 500 तक, और उसको रीशेप कर दिया, ठीक है। फिर बाद में एक वैलिड डेटा सेट एंड लेबल्स मैंने तैयार किए, तो उस वो क्या करूंगा, मैं वही अरे बनाया मैंने 500 से लेकर 700 तक, और मैंने इतनी वैल्यूज को रीशेप किया और वही मैंने टेस्ट आउटपुट किया, और वही सेम चीज इन दोनों को मैंने वैलिड डेटा सेट्स को ले लिया। अब मैं एक क्लास बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर सबसे पहले मेरे पास में क्या आया, कंस्ट्रक्टर आया। कंस्ट्रक्टर में हमने मैंने सेल्फ के अंदर पैरामीटर्स को इनिशिएट कर दिया, ठीक है। सेल्फ डॉट पैरामीटर्स को इनिशिएट कर दिया। फिर बाद में मैंने फंक्शंस इसके अंदर फॉरवर्ड प्रोपोगेशन मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर कर रखा है, कॉस्ट फंक्शन एक डिक्लेयर कर रखा है, बैक प्रोपोगेशन मैंने एक फंक्शन, इसके फंक्शन नहीं है इसको, हम बेसिकली मेथड्स बोलते हैं, ठीक है। फिर बाद में अपडेट जो मेथड है, फिर ट्रेन एक मेथड है, फिर मैंने ट्रेन मेथड के अंदर इटरेशन फंक्शन वो लगाया। इटरेशन लगाया किसके लिए, ये किसके लिए है, ये कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए, जो मिनिमाइजेशन हो रहा था ना उसको मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर किया। और फिर बाद में मैंने क्या किया, लीनियर रिग्रेशन का एक वो बनाया मैंने, सबसे पहले तो इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर बाद में मैंने लीनियर रिग्रेशन की मदद से मैंने इसके अंदर इनपुट दिए, ट्रेन इनपुट ट्रेनिंग इनपुट डेटा दिया, आउटपुट डेटा दिया, और ये अंदर इसके अंदर देखिए अलग अलग वेरिएबल्स हैं जो मेरे को देने थे, इनपुट आउटपुट, और फिर बाद में मैंने इनके अंदर दूसरे पॉइंट्स दे दिए, ये 0.001 एंड 20। ये तो उसके फंक्शंस, ये लीनियर रिग्रेशन वाला जो फंक्शन है उसको मैंने कॉल किया, ठीक है। सो ट्रेन वाला जो मेथड है इसका मैंने कॉल किया, ये रहा ट्रेन, और इसके अंदर ट्रेनिंग इनपुट आउटपुट लर्निंग रेट और इटरेशन, कितने टाइम हम इटरेशन चाहते हैं। सो ये लर्निंग रेट हो गया, ये वही पूरा मैथमेटिक्स है जो मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताई थी, कुछ नहीं है, उसको मैंने कोड के रूप में लिख दिया है, ठीक है। सो आप एक बार इस पूरे कोड को चला के देखोगे, देखिए ये गाइस मैं वापस से आपको बार बार बताता रहूंगा आने वाली वीडियोज के अंदर, जब मैं वहां पर भी ये सब चीजें करवाऊंगा तो डेप्थ में करवाऊंगा। अभी मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे किस तरीके से करते हैं, ठीक है। सो जब मैंने इसको इसके जो पैरामीटर्स और लॉस है लॉसेस हैं इटरेशंस है, हर एक इटरेशंस में वो जो प्रिंट करेगा वो सारी चीज़ मैंने यहाँ से प्रिंट आउट करवा दी है, और फर्स्ट इटरेशन में इतने लॉसेस, सेकंड इटरेशन में इतने लॉसेस, तो यहाँ आप देख सकते हो लॉस कम होता जा रहा है, जितने नंबर ऑफ इटरेशन हो रहे हैं लॉसेस कम हो रहे हैं हमारे पास में। फिर आगे चल के हमने क्या किया, हमने
ये तो देखिए इन इस स्टेप में मैं बता देता हूँ, हमने बिल्ड किया एक फॉरवर्ड प्रोपगेशन लीनियर रिग्रेशन फंक्शन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज अप्लाइड बाय द इनिशियल असाइनिंग रैंडम वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स एम एम एंड सी दैट इज ऑल्सो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सो दैट इज थीटा वन एंड थीटा टू. देन वी हैव रिटर्न द फंक्शन टू फाइंड द कॉस्ट फंक्शन दैट दैट इज मीन. Cost function is nothing, that is mean only. So we knew that we have already dot this function and this is here only. So using this only self dot cost function, we are using this only and we are using this function. Okay. So like that we have completed this task. We made this and after that we have trained the model. Here we have trained the model by giving the learning rate and number of iteration is 20. Then after what we are doing after this, finally prediction and plot the regression line. We are marking the regression line. So y equal to predict equal to test input multiplied by parameters that particular thing is m column. It represents m column, this particularly m column plus parameter C column. So it is representing the column parameters in column M. जब हम ये सब करते हैं ये तो आपको पता ही है यार, जब हम डिक्शनरी और ये सब में करते हैं बेसिक पाइथन है, आप सबको ये बात पता ही होगा. ठीक है. सो प्लॉट जो मैटप्लॉटलिब से हमने वो इंपोर्ट किया था तो उसकी मदद से मैंने प्लॉट कर लिया, टेस्ट इनपुट दिया, आउटपुट दिया. यहाँ पर मैंने साथ में एक प्लस देकर लेबल दिया. ये प्लस डिनोट कर रहा है कि हमारा जो ये पॉइंट है वो किस चीज़ से रिप्रेजेंट होने चाहिए. अगर देखिए मैं इस कोड को वापस से ले लेता हूँ कंट्रोल प्लस सी और यहाँ पर मैं प्लस की जगह अब क्रॉस देता हूँ या फिर इसकी जगह मैं लिख देता हूँ ये हैश. ओके. सो व्हेन आई विल रन इट सॉरी व्हाट कंडीशन ओह सॉरी यहाँ पर मैं योर वैल्यू भी दे सकता हूँ होना चाहिए. हाँ सॉरी हैश नहीं है अप्लीकेबल. मल्टीप्लाई दिया तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई आ गया. ठीक है. फिर दूसरा मैंने दो वैल्यू, ये तो एक्चुअल वैल्यू है, प्रिडिक्टेड वैल्यू के लिए मैंने एक और प्लॉट किया. ठीक है. तो वो प्रिडिक्टेड वैल्यू के लिए हो गया और लेबल जो होगा वो उसका ये एक्चुअल ये जो लाइन है ये प्रेडिक्टेड वैल्यू है और एक्चुअल वैल्यूज दिस इज अराउंड दिस लाइन. तो इसको हमने एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया. फिर हमने टेस्ट इनपुट को एक्स वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया और वाई को हमने टेस्ट आउटपुट और प्रेडिक्टेड आउटपुट की मदद से और देन लेजेंड एंड देन शो. वो तो हमें पता ही ये उसके फंक्शन है वो दिखाने के लिए और शो करने के लिए. ठीक है. सो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप टाइप कर दीजिए. अब आप ये पूछेंगे कि भाई आपने सी एस पी फाइल कहाँ से डाउनलोड की, तो ये सी एस पी फाइल मैंने मतलब एक कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हो पहली चीज़ तो, और दूसरी चीज़ मैंने गिटहब से डाउनलोड की है. तो मैं आपको डाउनलोड करने के लिए रेफरेंस में डिस्क्रिप्शन में जाकर रेफरेंस के लिए मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना. ठीक है. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.